इनमें एक एक लीटर कर दो, 85-85 रुपए का। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने बोतलों में पेट्रोल क्यों डलवाया है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट आप लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है मेरी डोमिनार का, तो आप वो सबसे पहले आप उस ब्लॉग को जाके देखो, उसके रिव्यूज़ देखो जो मैंने उसमें लिखा है। तो आप लोगों ने अभी मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है डोमिनार का रिव्यूज़ का, तो सबसे पहले आप उसको जाके देखो और लाइक करो एंड शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बोतल में 85 रुपए का तेल क्यों डलवाया है एक लीटर, और दूसरी बोतल में भी डलवाया है। वो इसलिए डलवाया है कि मैं अपनी बाइक की माइलेज में टेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हर बाइकर जो भी बंदा बाइक करता है वो लोकल चलाता है या फिर वो लॉन्ग रूट पर लेके जाता है, तो उसकी बाइक एक लीटर में उसको कितना माइलेज दे रही है तो हर बंदे को पता होना चाहिए। वैसे ही मैं अपनी बजाज डोमिनार में चेक कर रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मेरी बाइक 396 किलोमीटर अभी चली है, तो अभी इसकी पहली सर्विस नहीं हुई है, तो उससे पहले कि मैं माइलेज इसकी चेक कर रहा हूं कि एक लीटर में कितना मेरे को देगी, तो ऑलमोस्ट इसका पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, देख ही रहे हो आप। तो इसको मैं जैसे ही ये जहाँ पे भी रुकेगी जितने किलोमीटर पे, तो उसको मैं वहाँ से ट्रिप करूँगा और एक बोतल मतलब कि एक लीटर 85 रुपए का आज की जो रेट है उसके हिसाब से मैंने इस बोतल में पेट्रोल डलवाया है वो मैं इसमें डालूँगा। मैं नोट करूँगा कि मेरी बाइक एक लीटर में कितने किलोमीटर चलती है। बाइक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक लीटर डालता हूँ और ट्रिपोमीटर करता हूँ इसका कि कितना चलता है। पहली बोतल मैंने डाली, डालूँगा मैं अभी इसमें। अभी मैं अपनी बाइक का सेकंड पे ट्रिप मीटर कर रहा हूँ, तो एक सेकंड पे ट्रिपोमीटर यहाँ से जीरो करके चलूँगा मैं। थोड़ा सा लोकल भी चलाऊँगा, थोड़ा सा ठीक रोड पे भी लेके जाऊँगा, हल्की फुल्की भीड़ भाड़ रहेगी। एक बोतल अभी मेरे पास है तो ये मैं रखूँगा जब वो ख़त्म हो जाएगी, ताकि बीच में कहीं पेट्रोल पंप नहीं है नियर बाय, तो मैं डाल के पेट्रोल पंप तक पहुँच सकूँ और अपनी बाइक को फिर से मैं फिलअप करा लूँ। तो ये स्पेयर में रखा है मैंने, तो देखते हैं अभी कि एक लीटर में 85 रुपये का पेट्रोल आज की डेट में कि कब तक ये कितना निकालती है माइलेज। तो चलिए, आई चेंज माई माइंड कि मैं KMP पे यहाँ से ऊपर हाईवे पे चढ़ जाता हूँ और इसके बाद GT रोड से बालगढ़ और बालगढ़ से फिर मैं सोनीपत की तरफ अंदर घुसूँगा, तो मे बी उस टाइम तक ख़त्म ही हो जाएगा ये। तो ऐसा करने का मैंने सोचा है। बहुत ज़्यादा मिट्टी है, इतना मिट्टी कहाँ करेंगे।
अभी क्या है, मेरी बाइक झटके देने लगी है मेरे को, और 34 किलोमीटर के बाद इसने मेरे को झटका देना स्टार्ट करा है। 34 किलोमीटर 85 में निकाल रही है अभी, आप देखो कि 34 किलोमीटर हुए हैं, तो देखता हूँ कि और कहाँ तक निकालती है, मे बी डन ख़त्म होने ही वाला है अभी। तो अभी मेरी बाइक ने बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, आप देख रहे हो 35 किलोमीटर अभी मेरी बाइक यहाँ से चली है, तो ऑलमोस्ट डन। आपको मैं दिखाता हूँ अभी स्टार्ट करके, ऑलमोस्ट डन। तो अभी मैं पेट्रोल ये डाल लेता हूँ और तो मेरी बाइक अभी 35.5 के हिसाब से आप लगाओ तो अप्रोक्स 2.50 रुपये, 2.56 रुपये ऐसा ही कुछ माइलेज दिया है पर किलोमीटर के हिसाब से मेरी बाइक ने। तो आप देख सकते हो कि जो नई डोमिनार है अभी मेरी, ये एवरेज दे रही है, और मैं इसकी एक दो दिन में सर्विस कराने वाला हूँ, मेरी फर्स्ट सर्विस आने वाली है बाइक की, तो वो मैं एक दो दिन में जैसे ही मेरे को टाइम लगता है तो मैं करवाता हूँ, देन उसके बाद फिर मैं माइलेज इसकी चेक करता हूँ कि कितना उसमें डिफरेंस है। तो आपके सामने है जो मेरी बाइक चली है, तो आप भी ट्राई करके देखो कभी अपनी बाइक में, क्योंकि हर बंदे को पता होना चाहिए उसकी बाइक क्या एवरेज दे रही है, या कंपनी वालों से पूछो। मैंने तो अपनी बाइक की एवरेज खुद टेस्ट किया है, आप लोगों के पास किसी के पास डोमिनार है तो आपकी बाइक यही आपको माइलेज देगी, मे भी उनकी बाइक थोड़ी सी ज़्यादा चल चुकी हो, सर्विस 2-3 हो चुकी हो तो उनकी काफ़ी अच्छी माइलेज दे रही हो, बट मेरी जो बाइक ने माइलेज दी है वो 35.5 किलोमीटर दी है 1 लीटर में। आज की डेट में 85 रुपये पर लीटर पेट्रोल है, तो उसके हिसाब से मेरी बाइक ने ये माइलेज दी है। तो आप लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, डू सब्सक्राइब, और आप लोगों के सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करो, नहीं तो आप इसको डी लाइक भी कर सकते हो। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।